રાજ્યના ખેડૂતો માટે આનંદના સમાચાર. 15 જૂન સુધી ચોમાસું ગુજરાતમાં દસ્તક આપશે. દેશમાં ચોમાસાએ દસ્તક આપી દીધી છે અને કેરળ ખાતે ચોમાસાનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. ચોમાસાને આગળ વધવા માટે પરિસ્થિતિ સાનુકૂળ છે અને 15 જૂનની આસપાસ ગુજરાતમાં થઈ જશે ચોમાસાનું આગમન. और साथ में जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो बाद में बारिश हुई है साइक्लोनिक स्टॉर्म के बाद, वो मानसून फीचर्स है जिसके कारण आज 30 मई को केरल और मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पार्ट में मानसून ऑनसेट हुआ है. सर, रेमल की गुजरात पे क्या असर रहेगा? साइक्लोन रेमल का गुजरात पे कोई असर नहीं रहा, और जो गुजरात के ऊपर पिछले 2 दिन और आने वाले जो 3 दिन के लिए स्ट्रांग सरफेस विंड की वार्निंग दी गई है जिसकी स्पीड 25 से 30 किलोमीटर पर आवर है, ये एक डीप स्टिप प्रेशर ग्रेडियंट बना हुआ है गुजरात रीजन पे जिसके कारण तेज हवाएं चल रही है. अहमदाबाद और गांधीनगर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है आज के लिए जो फोरकास्ट दिया गया 43 डिग्री सेल्सियस का, और आने वाले जो 5 दिन का फोरकास्ट है मैक्सिमम टेम्परेचर का अहमदाबाद और गांधीनगर के लिए, वो नो लार्ज चेंज में रहेगा, और जो टेम्परेचर की टेंडेंसी होगी वो डिक्रीजिंग टेंडेंसी होगी. जो टेम्परेचर डिक्रीज होगा अहमदाबाद और गांधीनगर के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर, वो उसकी जो रेंज होगी डिक्रीज होने के लिए वो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगी. गुजरात में जो मानसून प्रोग्रेस की नॉर्मल डेट है वो 15 जून है, 15 जून के आसपास ही मानसून प्रोग्रेस होगा गुजरात रीजन के आसपास. आज फिशरमैन की कोई वार्निंग नहीं है, और जो मतलब कोस्टल में विंड प्रिवेल करेगी वो विंड मेनली साउथ वेस्टर्ली विंड रहेगी. ठीक है सर, 2 दिन पहले मानसून की स्टार्ट हुई है, तो गुजरात में 15 को ही स्टार्ट होगा. 15 जून का जो नॉर्मल डेट है उससे प्लस माइनस जो 5 दिन होते हैं ये कंसीडर.